जबलपुर के गोहलपुर क्षेत्र से खबर, जहां लेमा गार्डन में नगर निगम का अमला पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए आवास पर से अवैध कब्जा हटाने पहुंचा। कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बनी। एक कब्जाधारी ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए आधारताल एसडीएम ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर सभी 434 मकानों को खाली कराया जा रहा है। के तहत इस पट्टी का निर्माण किया गया था, इसमें 434 आवास थे। अभी ये भी आवास का मेरिगत आवंटन नहीं हुआ है, इसीलिए जो भी लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आज यहाँ से हटाया जा रहा है। और इनमें से अधिकतर लोगों के दूसरे भी आवास थे आजू बाजू में, जहाँ ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सर, इसमें नगर निगम कर्मचारियों से ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 20,000 रुपए उन्होंने ले लिए हैं। शिकायत आएगी तो उसकी जांच की जाएगी।